नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई भारत में शादी होती है, दुबई में तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको कौन से कानून का पालन करना चाहिए, कहाँ पे आप तलाक ले सकते हैं, तलाक लेने के बाद में आपका जो कोर्ट में एक समझौता होता है वह पूर्व पत्नी के बीच में और पति के बीच में, जी हाँ, उस समझौते के तहत कुछ आपको निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि लगभग शादी होने के बाद आपके एक या दो बच्चे होते हैं, मेन होता है बच्चे की प्रॉब्लम, जी हाँ, बच्चे की कस्टडी लगभग में 99% इंडिया में तो मदर के पास जाती है, गल्फ देशों में अभिभावक माना गया पिता को तो पिता के पास होती है, लेकिन ये मैटर कहीं ना कहीं आ जाता है कि भाई इंडियन जोड़ा था तो उनमें कहीं ना कहीं मदर को ही उनकी कस्टडी दे दी जाती है, और उसमें आपको कोर्ट एक फैसला देता है कि भाई आप पिता जो महीने का उनको बच्चों के पालन पोषण के लिए 4 से 5 हज़ार दराम मंथली देगा, आप दे भी रहे हैं, ठीक है जी, और सप्ते में आपको कोर्ट अग्रीमेंट के अनुसार सप्ते में एक बार 1 घंटे के लिए आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, जी हाँ, आप मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक आपकी पत्नी, क्योंकि आप तो इंडियन है, आपकी पत्नी इंडिया आ जाती है, जी हाँ, इंडिया 1-2 महीने रहती है, आपको पीछे से पता लगता है कि भाई पत्नी इंडिया चली गई, फिर वो वापस आ जाती है दुबई, दुबई आती है तो बच्चा नहीं होता है साथ में, अकेली आती है, जी हाँ, उस स्थिति में आपको पता लगता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट के अग्रीमेंट के अनुसार आपको अधिकार है कि आप बच्चे का मेंटेन महीने का उसका पालन पोषण का चार्ज दे रहे हैं, जी हाँ, और दूसरी बात ये कि कोर्ट के अनुसार 1 सप्ते में 1 घंटे के लिए बच्चे का मिलने का आपका अधिकार आपको कोर्ट ने दिया है, अब बच्चा तो इंडिया में रह गया तो आप कैसे मिलोगे, जबकि आपका जो पालन पोषण का चार्ज है वो आपको लग रहा है, तो उस स्थिति में आपके पास क्या कानूनी उपाय है, आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाती है तो, जी हाँ, जानकारी पूरी देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए साथियों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको पता लग ही गया कि भाई पत्नी ने अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को इंडिया में छोड़ के वापस दुबई आ गई है, जी हाँ, जबकि आप अपना जो भी हर्जाना है वो मंथली दे रहे हैं, तो आप अपनी पूर्व पत्नी से बात कर सकते हैं कि भाई बच्चा कहाँ है, कोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट का जो अग्रीमेंट हुआ है दुबई में, जो डिवोर्स जो पेपर हुए थे उसमें साफ लिखा है कि सप्ताह में एक बार मैं बच्चे से मिल सकता हूँ, मैं कहाँ मिल रहा हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, समझ रहे हैं आप, पति पत्नी अलग हुए हैं, बच्चा तो दोनों का था ना, तो आपको भी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है, पूरा हक बनता है आपको अपने बच्चे से मिलने का, तो पत्नी से आप रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं कि बच्चा वापस दुबई लेके आए, बच्चे को दुबई बुलाएं, ये आपका अधिकार है, जी हाँ, फिर भी अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती है, आपकी बातों को अनसुना करती है, कोर्ट अग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है इसमें, क्योंकि जो उल्लंघन जो पहले कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई बच्चे से आप मिल सकते हैं, बच्चा तो इंडिया में चला गया तो कैसे मिलेंगे, तो अगर पत्नी आपका कहा नहीं मानती है तो आपको फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको उसी कोर्ट में दोबारा पेश होना पड़ेगा, जी हाँ, और उसमें वो डॉक्यूमेंट आपको पहले आपका जो अग्रीमेंट हुआ था वो भी उसमें रखना पड़ेगा, वकील के एडवोकेट के माध्यम से कि भाई मेरा ये समझौता हुआ था, मैं बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ, पत्नी ने बच्चे को इंडिया में छोड़ दिया, जी हाँ, तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ में वाद दायर यानी एप्लीकेशन दे के उनके खिलाफ में मुकदमा करवा सकते हैं, जी हाँ, वो आगे का प्रोसेस रहेगा कि कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है, हो सकता है दुबई का कोर्ट उनको आपको जो हर्जाना है वो बंद कर दे देना, क्योंकि बच्चा ही जब वहां है तो फिर हर्जाना किस बात का, या फिर उनके ऊपर कोई हर्जाना लगा दे, उनको कोर्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर उनके कोई सजा सुना दे, ऐसा कुछ प्रोसेस, वो आगे की बातें हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से बता दें कि अगर ऐसी स्थिति होती है, पत्नी कहना नहीं मानती है या फिर पति कहना नहीं मानता है, दोनों पर लागू होती है बात, तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका फैसला आया था, या फिर आप दूसरी कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोर्ट का जो पूर्व फैसला है डिवोर्स का, आपका पास फैसला तलाक का जो डॉक्यूमेंट है वो तो कंप्लीट पड़े हैं, उसमें सब लिखित में हुआ था कि भाई 7 दिन में बच्चे से 1 घंटे आप मिल सकते हैं, बदले में आपको 4-5 हज़ार जो भी कोर्ट आपका मुआवजा आपको आपके बच्चे के पालन पोषण के लिए आपको देना पड़ता है वो आप रेगुलर दे रहे हैं, एविडेंस आपके पास हैं, पत्नी बच्चे को इंडिया में छोड़ के आ गई, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है जी, और इस तरह से आप अपना कानूनी कार्रवाई के माध्यम से अपना हक, अपना फैसला वो अपने हक में करवा सकते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, जय हिंद।